टुडेज टॉपिक इज विल यू बी माय फ्रेंड, है ना। टॉपिक का नाम तो अच्छा है। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by the elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, the elements replacing the hydrogen is referred to as a heteroatom. These heteroatoms confers the specific properties to the compound regardless of the length of the chain and nature of the chain, carbon chain, long chain, and hence are called the functional groups. Some important functional groups are given in table 4.3. Free valency or valencies of the groups are shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom. अभी देखो कार्बन की बात करें तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम रखेंगे कैसे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अभी 4 वैलेंसी है उसकी, है ना, तो 4 हाइड्रोजन उसमें लग गए तो अभी ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और वो एक हाइड्रोजन की जगह हम लोग दूसरे एक एलिमेंट या 2-3 एलिमेंट का मॉलिक्यूल एक साथ उसमें लग सकता है ताकि उसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो उसकी वैलेंसी 4 है तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें से एक ही हाइड्रोजन निकाल दिया फिर भी कहलाएगा हाइड्रोकार्बन ही, राइट। और उस एक की जगह पर अगर दूसरे एलिमेंट्स लग जाते हैं तो वो एलिमेंट ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के ऊपर कवर अप हो जाती है, भारी पड़ जाती है ना। जैसे मान लो कि एक क्लास है जिसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अभी चारों ग्रुप में बच्चे तो उसी क्लास के हैं लेकिन चारों में से चारों ग्रुप का एक एक कोई लीडर बना देते हैं। अब जैसे ही वो एक ग्रुप का लीडर बोलेगा वैसे ही पूरा ग्रुप करेगा, है ना, तो वो इन्फ्लुएंस रहेगा लीडर का। तो लीडर कौन बन सकता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना। क्लास में मॉनिटर कौन बनेगा कि दूसरों को शांत रखवा सके, वो नहीं के खुद ही मस्ती करता हो तो क्लास क्या शांत रहेगा फिर, है ना। तो जो कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हाइड्रोकार्बन को, उसको हम बोलते हैं हेटरोएटम या दूसरा नाम है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो सारी प्रॉपर्टीज जो है फिर कार्बन की और हाइड्रोजन की साइड में रह जाती है और जो ये नया एलिमेंट उसमें जुड़ा है उसकी एक्टिविटी कार्बन और हाइड्रोजन को इफेक्ट करने लगेगी, राइट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। नाउ होमोजीनियस सीरीज की बात करते हैं हम लोग, राइट। होमोलोगस सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। You have seen that the carbon atom can be linked together to form the chains of varying lengths. In addition, hydrogen atom or atom on this carbon chains
कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी शो अबाउट. द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिटेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. अभी चेन कितनी बड़ी है कि वो मीथेन है, एक कार्बन वाला है, और उसमें अंदर एक हाइड्रोजन हटा के हमने अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप, तो अब वो मिथेनॉल कहलाएगा, राइट. और उसकी मीथेन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो साइड में रह जाएगी और अल्कोहल बेस्ड शुरू हो जाएगी मिथेनॉल. अगर उसमें दो कार्बन की चेन है, इथेन है ना, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लग गया तो वो इथेनॉल बन गया. अब वो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ दर्शाना शुरू कर देगा. सो द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CH3OH, C2O5OH, C3H7OH एंड C4H9OH आर ऑल वेरी सिमिलर. हेंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज. अभी मीथेन की एक प्रॉपर्टी है, ब्यूटेन की एक प्रॉपर्टी है, इथेन की एक प्रॉपर्टी है अपनी अपनी, राइट. लेकिन उन सब में से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया तो इथेनॉल बन गया, मिथेनॉल बन गया. तो मीथेन की प्रॉपर्टी चली गई, ब्यूटेन की प्रॉपर्टी चली गई, इथेन की प्रॉपर्टी चली गई. प्रॉपर्टी कौन सी दिखाएगा? सिर्फ अल्कोहल की, OH वाली, है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज, के उसमें अंदर OH ग्रुप है तो होमोलोगस सीरीज बन गया. तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बन गया, राइट. फिर अगर हमने दूसरा कुछ फंक्शनल ग्रुप लगाया ऊपर, जैसे हमने दिखाया ना यहाँ पर कि ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से हैं, हेलोजन ग्रुप है, फिर अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH लगाया उसमें तो ये बन गया अल्कोहल. एक हाइड्रोजन हटाया और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी ख़त्म हो गई और कार्बन की भी पूरी हो गई, है ना. लेकिन डबल बॉन्ड से O लगा तो अब ये बन गया एल्डिहाइड. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जैसे जैसे वो सीरीज बनेगी तो एल्डिहाइड वाली सीरीज बनेगी, फिर कीटोन की सीरीज बनेगी एक हाइड्रोजन हटा के, तो ये फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज है वो सीरीज बनती जाएगी फिर. नाउ लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी शो अर्लियर इन द टेबल 4.2. नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेसिव कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल से CH4 एंड C2H6, दिस डिफर्स बाय CH2 यूनिट. अभी इसमें देखो सी एक है, दूसरे में सी दो है, इसमें हाइड्रोजन चार है, इसमें हाइड्रोजन छः है. तो सीरीज में फ़र्क कितना आता है? CH2 एक यूनिट कम है उसमें, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कम है. फिर C2H6 और C3H8, उसमें भी अगर फ़र्क कितने का आया, एक कार्बन कम है, इसमें तीन है, इसमें दो है, और इसमें छः हाइड्रोजन है, इसमें आठ है, तो दो हाइड्रोजन की कमी है. तो इसके और इसके बीच में CH2 की कमी है, एक यूनिट की कमी है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? तो सेम है ना. सो कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स? इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. तो देखो कार्बन का जो नंबर है 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हो गए, है ना. और मॉलिक्यूल में जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई कंसिडर नहीं करते, तो 6 + 6 = 12 हो गए, है ना. तो एटॉमिक मास कार्बन का जो है वो 12, और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, है ना. तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का, सबका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ये तो रफ में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1. तो कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का है 1 एटॉमिक यूनिट. तो CH2, तो C के 12 और हाइड्रोजन के 1 1 यानी के 2, तो 12 + 2 = 14. 14 की कमी आएगी यहाँ पर.
सिमिलरली टेक द होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्किन्स, द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज द इथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन, एंड वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द इथीन, द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6, C4H8, C5H10। तो यहाँ पर भी सीरीज जो है किससे डिफर हो रही है, CH2 है ना। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड्स? द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्किन्स कैन बी रिटन, कैसे लिखा जाता है अल्किन को, CnH2n। तो n जब हम 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन उसके डबल होते जाएंगे। सो कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स एंड अल्काइन्स? एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन नेक्स्ट में बढ़ जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे तो फिर एक कार्बन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन उसमें बढ़ जाएंगे, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, है ना। कि जहाँ चार दानों को गर्म करना है तो कितनी गर्मी लगेगी, और वहीं 8 दानों को गर्म करना है तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। उससे ज़्यादा दाने हैं, देखो घर में अगर कोई मेहमान नहीं है, रेगुलरली घर में मम्मी रसोई बनती है तो कितनी जल्दी बन जाती है कि भाई 6 जनों की रसोई है जल्दी होगी, और मेहमान आने वाले हैं 4 या 5 मेहमान, तो 4-5 जनों की रसोई बढ़ जाएगी तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। और अगर कोई बड़ा फंक्शन है 20-25 जने आ रहे हैं तो और भी टाइम लगेगा रसोई बनाने में। तो जहाँ मम्मी 10 बजे लगती थी रसोई बनाने के लिए, अभी सुबह 8 बजे लग जाएगी तब जाके 1 बजे सबकी रसोई तैयार होगी, है ना। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, दैट इज ऑब्वियस। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एस ऑल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन। के भाई जैसे 1 लीटर पानी में हमने 1 चम्मच शुगर को मिक्स करना है तो जल्दी हो जाएगी, अभी 1 लीटर पानी में 2 चम्मच को करना है तो 2 बार और घुमाना पड़ेगा तब जाकर डिजोल्व होगी, है ना। तो जितनी चमचियाँ बढ़ती जाएगी उतनी देर ज़्यादा हमको हिलाना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी टाइम में भी फ़र्क पड़ जाएगा। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सिमिलर इन ए होमोलोगस सीरीज। अभी क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे मॉलिकुलर वेट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट कैपेसिटी है, सोल्यूबिलिटी है, ये सब चेंज होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा सीरीज में आगे जाते जाएंगे तो, राइट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। तो फंक्शनल ग्रुप तो मीथेन में भी, मिथेनॉल में भी OH है और इथेनॉल में भी OH है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिर्फ OH पे ही डिपेंड करती है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी इन होमोलोगस सीरीज। ओके, यहाँ पर एक्टिविटी है, इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी देखो नोमेनक्लेचर, नाम कैसे देना है कार्बन कंपाउंड्स को, कि भाई हमारे घर में जब कोई नया मेहमान आता है लड़का या लड़की तो बुआ उसका नामकरण करती है। तो कैसे नामकरण करती है कि कौन सी राशि में आया, कौन से दिन जन्म हुआ, उसके गोरा है काला है, कुछ लक्षण देख के उसके नाम डालती है, या कभी बहुत रोता है या शांत है वो देख के नाम लगाते हैं, ऐसी सब चीज़ें रखते हैं नाम करने में, है ना। आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो जो मन में या टीवी में फेमस नाम होगा वही नाम रख देंगे। सो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में क्या करते हैं, उसके भी एक पैटर्न है, वो फॉलो करनी पड़ती है हमको, है ना। तो क्या फॉलो करना पड़ता है, या नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण विधि, है ना।
So the names of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix. तो पहले तो carbon chain, एक carbon वाला है तो उसका नाम तो methane तो है ना. अभी alcohol लगेगा तो methanol बन जाएगा, और aldehyde लगेगा तो उसका नाम उस तरह से लगेगा, लेकिन methane का तो पता लग ही जाएगा कि इसमें methane है, right? कीटोन लग जाएगा तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ कीटोन है, लेकिन कार्बन चेन नंबर वन वाली है, एक ही कार्बन वाली है, मीथेन वाली है, राइट. सो कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ द अल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. तो कार्बन चेन के हिसाब से तो उसका नाम ब्यूटेन होना चाहिए. अब क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल है तो वो ब्यूटेनॉल बन गया. तो मेन उसका जो है वो कार्बन चेन को ध्यान में रखा गया है नाम रखने के लिए, कि भाई मेन चेन कौन सी है, मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, क्या है वो. फिर सफिक्स या प्रीफिक्स चेंज कर देते हैं, आगे का कुछ नाम चेंज कर देते हैं या पीछे का नाम कुछ चेंज कर देते हैं. जैसे मीथेन हो गया मिथेनॉल, ई हटा के NOL लगा दिया हमने, है ना. नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड. पहले तो कार्बन एटम कितने हैं वो देख लो. एक है तो मीथेन, दो है तो ब्यूट इथेन, एक है तो मीथेन, फिर इथेन, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर पेंटेन, ऐसा. A compound having three carbon would have the name propane. ठीक है. In case of functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix. अगर उसके अंदर कोई functional group लगा रखा है हमने, तो या तो prefix change करना पड़ेगा या तो suffix पीछे change करना पड़ेगा, right? If the name of the functional group is to be given as a suffix, पीछे अगर functional group का नाम लगाना पड़ेगा तो क्या होगा. The name of the carbon chain is modified by deleting the final E. Last में जो E होता है वो हम हटा देते हैं and adding the appropriate suffix, और उसके बजाय appropriate नाम रख देते हैं. जैसे for example थ्री कार्बन चेन विथ ए कीटोन ग्रुप. अगर तीन कार्बन है तो हमको पता है कि उसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन आता है. तीन कार्बन है तो प्रोपेन नाम आएगा, लेकिन उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ओ एन ई, कीटोन का के ई टी ओ एन ई, कीटोन का वन लेगा दिया तो, और प्रोपेन में से लास्ट ई हटा दिया तो प्रोपेनॉन. अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉन, मीथेन है तो मीथेनॉन, है ना. तो ई हटा दिए, कीटोन ग्रुप लगाया है तो वन लगा देंगे तो मीथेन प्लस कीटोन यानी कि मीथेनॉन, प्रोपेन प्लस कीटोन तो प्रोपेनॉन, राइट. Now, if the carbon chain is unsaturated, मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, then the final A N E, तो अगर सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ E हटाते हैं, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है तो हम A N E हटा देंगे, राइट. नाम में से मीथेन, M E T H, A N E हट जाएगा, मिथ एन हट जाएगा. In the name of the carbon chain is substituted by ENE. क्योंकि ये unsaturated है तो ENE लग जाएगा तो मीथेन, एम ई टी एच ए, एन ई तो हटाना है हमको, एम ई टी एच ई एन ई, मिथिन या मिथाइन, ये हो जाएगा डबल ट्रिपल ग्रुप हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो मिथाइन, दो ग्रुप हुए डबल बॉन्ड हुआ तो मिथिन, एम ई टी एच ई एन ई, मिथिन एज गिवन इन टेबल. थ्री कार्बन चेन विथ ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड द प्रोपीन एंड इफ इट हैज ए ट्रिपल बॉन्ड इट विल बी नोन एज प्रोपाइन. तो
तो आपको पता चल जाएगा नाम से ही कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। सो इस तरह से इसका नामकरण होता है क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन है, तीन कार्बन है देखो इसके अंदर, तो मीथेन इथेन प्रोपेन बना, एक हाइड्रोजन हट गया और इसमें हेलोजन ग्रुप लग गया है। तो हेलोजन ग्रुप का हम क्या डाल देंगे, क्लोरो। कौन सा ग्रुप लगा है इसमें, क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो, राइट। आयोडीन लगा होता, राइट, तो आयडो, राइट। इस तरह से फिर अल्कोहल लगा है तो प्रोपेनॉल, आल्डिहाइड लगा है तो प्रोपेनाल, आल्डिहाइड का AL लग जाएगा, देखो आगे का L, प्रोपेनाल, मिथेनॉल, इथेनॉल, राइट। AL लगा मतलब समझ जाओ इसमें आल्डिहाइड ग्रुप है, डबल ओ वाला। कीटोन ग्रुप लगा है अगर उसके अंदर, तो आपको सफिक्स ONE लगाना है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा, OIC। फिर डबल बॉन्ड अल्कीन का है, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन्स का तो प्रोपाइन, प्रोपीन। सो दिस इज हाउ द नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड, नामकरण किस तरह से होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है ये देखते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, वी शेल फर्स्ट स्टडी द कंबस्चन। तो वो जलेगा कैसे, कोई भी चीज़ होगी तो वो कंबस्चन कैसे करेगा, राइट। सो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, कोई भी फॉर्म में हो, एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपको पता है ना, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब एलोट्रॉप्स उसके माने जाते हैं। तो कार्बन जो है वो जलेगा, राइट, बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हीट पकड़ेगा, जलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, है ना। अलोंग विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, साथ साथ लाइट भी देगा और हीट भी देगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। दिस आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू हैव लर्न्ड अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। फिर मीथेन इथेन, दो कार्बन है तो मीथेन इथेन और एक OH ग्रुप लग गया है तो मिथेनॉल या इथेनॉल, मीथेन इथेन। सो इथेनॉल प्लस O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एंड प्लस लाइट। बैलेंस द लेटर्स टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जैसे लर्न किया था, इसमें हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नेफ्थलीन कैम्फर अल्कोहल वन बाय वन ऑन ए स्पैटुला एंड बर्न देम। ऐसी चीज़ों को स्पैटुला पे लो और बारी बारी जलाओ। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नॉट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। फ्लेम जो बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है या ऐसे ट्विंकल करती है या स्टेडी रहती है, कौन से कलर की बनती है, धुआं देती है कि सिर्फ कभी कभी लपटे बनेगी आग की, धुआं नहीं निकलेगा, कभी कभी आग की लपटों के साथ धुआं भी निकलेगा, कभी आग की लपटे नहीं होंगी सिर्फ धुआं होगा, तो ये भी देखना है। नाउ प्लेस द मेटल प्लेट अबाउ द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट
इन द केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स, तो जब वो चीज़ जल रही है तो उसके ऊपर मेटल प्लेट पकड़ो, तो मेटल प्लेट के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं वो भी देखो, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, तो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है वो एकदम क्लीन फ्लेम देगा, वाइल अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो अनसेचुरेटेड होगा तो येलो फ्लेम तो देगा लेकिन साथ साथ काला धुआं भी बहुत निकालेगा, है ना। सो दिस रिजल्ट्स इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी। तो जब भी हम कुछ जलाएंगे तो यहाँ मेटल प्लेट के ऊपर काला ब्लैक कलर का राख जैसा कुछ ना कुछ जम जाएगा। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबस्चन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिवन ए सूटी फ्लेम। अभी देखो, आपको भूख लगी है 3 रोटियों की, आपको सिर्फ एक और आधी रोटी खाने को दे दिया तो तुम भूखे रह गए ना, है ना। तो आप पेट भरने के लिए क्या करोगे, एक गिलास पानी ज़्यादा पी लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, भले आधी रोटी खाई, डेढ़ रोटी खाई है तो। और अगर 3 रोटी खा लिए तो तुम सिर्फ थोड़ा सा ही पानी पियोगे, क्यों, क्योंकि बाकी का तो रोटी से पेट भर गया तुम्हारा। उसी तरह हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन जितना चाहिए, है ना, उतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो कोई धुआं नहीं करेगा, राइट, सूट नहीं करेगा, सिर्फ ब्राइट फ्लेम देगा। लेकिन उसको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो भी आधा जलेगा आधा नहीं जलेगा, और आधा नहीं जलेगा वो धुआं बन जाएगा, है ना। तो हाफ बर्न्ड विल गिव कार्बन डिपॉजिट, राइट, वो भी धुएं के साथ जलना शुरू हो जाएगा। द गैस और द केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज़ द इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट अ सफिशियंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न्ड टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। तो पुराने ज़माने में जो प्राइमस आता था, स्टोव आता था ना, उसके अंदर एक जेट होता था, है ना, और जेट को पिन से साफ किया जाता था ताकि फ्यूल जो है केरोसिन और हवा दोनों का सही मात्रा में एक मिक्सचर बने और वो जले, ताकि ब्लू फ्लेम ज़्यादा गर्मी दे। कभी कभी क्या होता है कि जब लाइट चली जाती थी तो अपने घर में क्या होता था, लाइट चली जाती थी तो टॉर्च नहीं होती थी, तो लोग क्या जलाते थे, फानूस जिसको बोलते हैं फानस, है ना, या एक शीशी लो उसके अंदर कुछ भी डाल दो, केरोसिन वेरोसिन, और एक रस्सी ले लो और उस रस्सी को जलाओ तो नीचे का सारा केरोसिन वो खींचती जाएगी और जलेगी, तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ। ओके, अपने लेबोरेटरी में भी छोटा जो दिए जैसा है ना, सेम उसके जैसा है। तो गैस के बर्नर के ऊपर देखो छेद 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 किए हुए होते हैं बहुत सारे, क्यों, एक बड़ा सा होल नहीं रख दिया ताकि सही मात्रा में ऑक्सीजन का और गैस का, अंदर जो गैस होता है वो सही मात्रा में मिले और चले तो अच्छी हीट मिलेगी, वरना क्या होगा, कभी धुआं ज़्यादा करेगी और कभी सिर्फ लाइट ज़्यादा करेगी, हीट इतनी नहीं देगी। तो येलो कलर की अगर फ्लेम बन रही है तो गैस तो जल रहा है लेकिन उतनी हीट नहीं होगी उसके अंदर। अगर आप सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा उसको तो उस फ्लेम का कलर जो है वो ब्लू कलर का फ्लेम हो जाएगा, और जितना ब्लू फ्लेम का कवर होगा उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है ना। तो फ्लेम के कौन कौन से कलर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक येलो होता है, और एक हल्का सा रेडिश होता है। तो जब भी आप मोमबत्ती जलाओगे तो देखोगे कि बाहर का जो मोमबत्ती का कलर जो है वो रेड कलर जैसा होता है, राइट, फिर उसके नीचे है एक बड़ा सा पार्ट जो है वो येलो कलर का होता है, और जहाँ पर वो विक जलाते हैं, धागा जलाते हैं ना, उसके आजू बाजू में ब्लू कलर का होता है, देखना आप, है ना। तो वो ब्लू कलर का फ्लेम जो होता है ना वो ज़्यादा हीट एनर्जी देता है।
सो इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड. तो जब भी खाना बनाते हो और नीचे आप देखोगे बर्तन काले बनते जा रहे हैं, काले बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन सही मात्रा में मिक्स नहीं हो रहा है, राइट?